नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं मैनपाल कश्यप। इस समय बीडीपीओ कार्यालय में मौजूद हैं और बीडीपीओ अंग्रेज सिंह मोर हमारे साथ है। जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो केसेस बढ़ते जा रहे थे, अब जो कोरोना के जो केसेस हैं वो घटते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के लिए खुशखबरी है। और आइए बीडीपीओ इंद्री अंग्रेज सिंह मोर से हम बातचीत करते हैं। जिस तरीके से सर कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे, अब कहीं ना कहीं काफ़ी फ़र्क पड़ा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हम तो यही कहेंगे कि कोरोना कम हुआ है, ना कि ख़त्म हुआ। उसको ख़त्म करने के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सबसे ज़रूरी है। लेकिन वैक्सीन के ऊपर भी सरकार का इतना हुआ है कि आज यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से कैंप लगाया गया, जिसमें डिसेबल्ड पर्सन, दिव्यांग व्यक्तियों को बुलाया गया और उनको यहाँ पे फ्री वैक्सीन दी जा रही है। और लगभग 150 से ऊपर लोगों को आज यहाँ पर वैक्सीन लग जाएगी। और इसके बारे में यह है कि हमने एक और इसमें वो सोचा है कि जैसे दिव्यांग व्यक्ति ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते, इसलिए ये सोच रहे हैं कि आसपास के कस्बों में भी कहीं ना कहीं इनके कैंप लगवाए जाएं, ताकि जो व्यक्ति रह गए हैं उनको भी ये वैक्सीन की डोज दी जा सके। तो इनके लिए क्या टारगेट रखा है, क्या लक्ष्य रखा है, क्या गाँव-गाँव में जाकर इनका सर्वे किया जाएगा? जो व्यक्ति छूट गए तो कितने दिन में इनको कवर कर लिया जाएगा? देखिए, गाँव में हमारे आंगनबाड़ी के वर्कर भी हैं और ANM भी हैं, सारे के सारे सर्वे भी कर रहे हैं इस चीज़ का। और बाकी उम्मीद तो हम यही होप करते हैं तथा लोगों से अपील भी ये करते हैं कि अपने आप आगे आएँ, अपने स्वास्थ्य की जो रक्षा करना वो आदमी का खुद की जिम्मेवार भी है। सरकार इसमें मदद कर सकती है, सरकार ये मदद करे कि फ्री वैक्सीन दे रही है सबको। जिस तरीके से ये जो विकलांग हैं और इंद्री हलके की हम बात करें तो इंद्री क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। जिस तरीके से आज इंद्री में विकलांगों के लिए कैंप लगाया गया और उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है, क्या इस तरीके से गांव-गांव में भी जाकर कैंप लगाने की वो योजना बनाई जाएगी? नहीं, हाँ, इसके बारे में अभी देखो, जैसे सरकार के हमारे पास आदेश आएंगे उसी हिसाब से पालना की जाएगी। अभी तो यह है कि दिव्यांग के लिए यहाँ पर कैंप लगाया है, क्योंकि डिसेबल्ड पर्सन है, कहीं आ जा नहीं सकते, सराउंडिंग एरिया के यहाँ पे आ गए हैं। और अब ये कोशिश करेंगे डॉक्टर्स के साथ सलाह करके, उनके से भी टाइम लेना पड़ता है, उनके पास टाइम है या नहीं है, उस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि ब्लॉक में 2-3 जगह और इसका वो करवा दें, ताकि लोगों को, डिसेबल्ड पर्सन को ज़्यादा दूर ना आना पड़े और इनको देख के दूसरे लोगों की भी इच्छा जागृत हो के हम भी वैक्सीन करवाएँ जब ये लोग वैक्सीन करवा रहे हैं। कुछ लोग सर घबरा रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने से, आगे नहीं आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए यही संदेश है कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद वैक्सीन ली है और मेरे को दोनों डोज लग चुकी हैं, और हम जैसे इसमें कोरोना काल में हमने काम किया है, हमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, और इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे ही भरम फैला देते हैं कुछ लोग, तो उससे दूर रहे। सर, जिस तरीके से हरियाणा में एक बार फिर लॉकडाउन का नया नाम दिया गया था और जो अब समय है वो भी चेंज हो चुका है लगभग, यानी कि 6 बजे तक बाज़ार खुला रहता है, उसके बाद बंद होता है, क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे? क्या जिस तरीके से लॉकडाउन आगे मतलब इस तरीके से लग रहा है, उससे कहीं ना कहीं काफ़ी फर्क भी मतलब कोरोना के ऊपर पड़ा है? देखिए, इसमें जैसा हमारा ऑड इन वन का फार्मूला है, अभी 9 से 6 बजे दुकानें बंद है। जो आम रूटीन की दुकानें थी, एसेंशियल्स कमोडिटी की दुकानें थी, उनके ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जो ऑड इन वन के तहत हमने दूसरी दुकानें थी उनको भी खोल ले जा रहे हैं, 9 से 6 बजे तक दुकानें खुलती हैं। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है मार्केट में भी, मतलब जो दुकानदार थे सभी ने इसमें पूरा सहयोग किया और वो अब भी सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि आप जैसे सर इस बीमारी से बचा जा सके, हम इसमें अपना आर्थिक नुकसान सह लेंगे लेकिन जान का नुकसान नहीं सहा जा सकता। क्या संदेश आप लोगों को? हम तो यही संदेश देंगे कि आर्थिक नुकसान की इतनी परवाह न करते हुए अपने स्वास्थ्य की तरफ पूरा ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य है तो आर्थिक नुकसान को भी पूरा किया जा सकता है। अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो कोई भी नुकसान पूरा नहीं किया जा सकता। सरकार के जो नियम है उनकी पालना करें। सरकार के जो हिदायतें हैं बार बार आती रहती हैं इसके लॉकडाउन के बारे में भी, उनकी पालना की जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की इसके सबसे बड़े एक औजार है भी इससे बचने का। बिल्कुल,
ये थे हमारे साथ इंद्री के जो BDPO अंग्रेज सिंह मौर, इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से लॉकडाउन लगा है उससे काफ़ी फर्क पड़ा है, और जबकि कोरोना के जो केसेस थे वो लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब कोरोना का जो केसेस हैं वो बहुत ही कम है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सरकार की जो नई गाइडलाइन आई है सभी मिलकर उसकी पालना करें ताकि जो कोरोना महामारी है उससे बचा जा सके। मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री।